आज ये स्थिति है कि नवाबी शासन के दौर का ये तालाब है, वो 20 सिटी में तालाब है, उसके बावजूद भी अगर पूरी पठारी क्षेत्र में जो है तालाब, हमारे तालाब के वाटर लेवल से ही पानी हम लोगों को पर्याप्त होता है। जो चारों तरफ घाट के लिए सौंदर्यीकरण के लिए मायूस है, परेशान है, बेहाल है। विदिशा के पठारी के ऐतिहासिक और प्राचीन तालाब धीरे धीरे अस्तित्व खोता जा रहा है। सौंदर्यीकरण के नाम पर आज तक कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पठारी नगर में स्थित प्राचीन तालाब धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। यहाँ पर बनी सीढ़ियाँ एवं कुआं जर्जर हो गई हैं। गंदगी की वजह से यहाँ पर आने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। धार्मिक कार्यक्रमों का केंद्र यह तालाब अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। यह तालाब सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के अभाव में अपना अस्तित्व खोने लगा है। वर्तमान में तालाब की एवं कुआं की हालत तो यह है कि कभी भी कुआं फिसल सकता है। वहीं पर तालाब का पानी इतना दूषित है कि पानी को छूने का मन नहीं होता है। चारों तरफ गंदगी से पटा हुआ है। हालांकि कुछ वर्ष पूर्व पंचायत के द्वारा सिर्फ खान पूर्ति के तहत साफ सफाई और गहरीकरण का कार्य कराया गया था, लेकिन वह भी किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था। बीच में ही गहरीकरण के काम को रोक दिया गया था। तब से लेकर आज तक इस तालाब के जीर्णोद्वार सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास नहीं किया गया, जबकि नगर के एकमात्र उपयोग में आने वाला तालाब है। नगर की बड़ी आबादी इस तालाब पर निर्भर है, क्योंकि जल स्रोत इसी तालाब पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से इसका उचित रखरखाव और देखभाल होना चाहिए, लेकिन इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है और स्थानीय लोग मजबूरी बस गंदे पानी से निस्तार करने के लिए बेबस हैं। इस गंदगी युक्त तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग नगर के नागरिकों ने कई बार ग्राम पंचायत समिति, जिले के जनप्रतिनिधियों से की है कि तालाब में गंदा पानी मिलता है। पठारी के इस बड़े तालाब के चारों ओर से कस्बा के नालियों का गंदा पानी प्रवेश कर रहा है। यह पानी लोगों के उपयोग का भी नहीं है, गंदगी का पर्याय बन चुका यह तालाब आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी नवाबी शासन के दौर का ये तालाब है, वो 20 सिटी में तालाब है, उसके बावजूद भी अगर पूरी पठारी क्षेत्र में जो है तालाब, हमारे तालाब के वाटर लेवल से ही पानी तो हम लोगों को पर्याप्त होता है। इस तालाब में जानवरों का सबसे ज़्यादा महत्व है कि जानवर यहाँ पानी पीते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये है कि तालाब की वो कंडीशन है कि आदमी हाथ धोना पसंद नहीं करता। इतनी गंदगी है चारों तरफ, ना ही यहाँ कोई घाट बनाया गया है, ना ही यहाँ पे कोई लाइट व्यवस्था की गई है, ना कोई गार्डन बनाया गया है। जबकि देखा जाए तो ये हमारा नवाबों की बस्ती से, नवाबी शासन से चला रहा ये तालाब। पहले लोग नहाते थे, पानी पीते थे, सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे भुजरियाँ सिरती हैं, ये मंदिर घाट पे इस तरफ करबला है जहाँ पे ताजिए सराए जाते हैं, लेकिन इस समय की पोजीशन ये है कि जहाँ तक देखा जाए तालाब की जर्जर हालत पड़ी हुई है। और आने वाला समय यह है कि अगर तालाब की देख रेख नहीं की जा सकती है, शासन प्रशासन द्वारा इस तालाब के लिए खूबसूरत नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, तो आने वाले समय में ये तालाब नष्ट हो जाएगा। और सिर्फ हम लोगों को एक ही ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे कभी पठारी में तालाब हुआ करता था, लेकिन अब वो तालाब नहीं है। प्रशासन की अनदेखी के चलते अब यह अवशेष का रूप लेता जा रहा है। तालाब के आसपास गंदगी के अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें, इस तालाब का निर्माण नवाबी काल से पहले हुआ था। तालाब का निर्माण 100 वर्ष से अधिक समय पहले स्थानीय नागरिकों द्वारा कराया गया था। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु तालाब में स्नान करते थे। लवालब पानी से भरा यह तालाब कस्बा की गौरवशाली व्यापारिक व्यवस्था का प्रतीक माना जाता था। वर्तमान में यह तालाब गंदगी में लुप्त होता जा रहा है। तालाब के चारों ओर से गंदा पानी एवं कचरे के ढेर लगे नजर आते हैं। तालाब का पानी बदबूदार हो गया है। पानी खराब होने से अब लोग तालाब में स्नान करना तो दूर, इसके निकट जाने से भी कतराने लगे हैं। क्या है इस तालाब की खासियत? इस तालाब की खास बात यह है कि वर्षों पहले लोग इस तालाब के पानी को पीने के रूप में उपयोग करते थे। ये उन दिनों की बात है जब हैंडपंप अस्तित्व में नहीं आया था और नगर के लोग 3 किलोमीटर दूर से तालाब पर आकर पानी भरते थे, कपड़े धोते थे। इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में इस तालाब का पानी कितना साफ और पवित्र माना जाता था। आज इसी तालाब के पानी में लोग स्नान करना तो दूर, उस पानी को देखना पसंद नहीं करते। हालांकि गर्मी हो या सर्दी, इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखा। धार्मिक भावना व जीवों में दया भाव रखने वाले महिला पुरुष तालाब तक आकर मछलियों को दाना पानी खिलाते रहते थे, जबकि इस तालाब में लोग धार्मिक कार्यक्रम भी किया करते थे, लेकिन गंदगी के कारण अब यहाँ कोई नहीं आता। आशीष सहेली ने बताया कि यह तालाब वर्षों पुराना है, जो अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जो चारों तरफ घाट के लिए सौंदर्यीकरण के लिए मायूस है, परेशान है, बेहाल है। आप देखिएगा, सामने मस्जिद,
पास में श्री देवल घाट भोलेनाथ का मंदिर, और यह है सामने बेला कुआ जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरा टूट चुका है। इसका कोई खेवनहार आज तक नहीं हुआ, ना आज तक कोई मरम्मत हुई, न घाट है ना कुछ है। बाजू में आइए आप, अंदर गणेश जी का मंदिर है, शंकर जी विराजमान है। यहाँ पर गाजिया और गुजरिया विसर्जन होती हैं, आप देखिए। और गंदगी के लिए आपको खुद से हम देखिए क्या स्थिति है यहाँ की गंदगी की। ये गंदगी है, इसमें जो मटेरियल आज तक डला है वो डला ही है, इसको कोई उठाया गया नहीं गया, ना सफाई हुई है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप देखिए इस तालाब की स्थिति और इस पर ध्यान दीजिए। इसके किनारे बने सीढ़ियां व पक्की बाउंड्री जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। धार्मिक आस्थाओं का केंद्र इस तालाब को भव्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। कस्बा व क्षेत्र के लोग शाम को घूमने के लिए पहुंचते थे, लेकिन आज कोई व्यक्ति तालाब के पास खड़ा होना भी नहीं चाहता। लोगों का कहना है कि इस तालाब में सौंदर्यीकरण हो जाए एवं पक्की सीढ़ियां बन जाए, चारों तरफ लाइट एवं पार्क का निर्माण हो जाए, तो कह सकते हैं कि बिस्सा जिले का नंबर एक तालाब बन सकता है। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।